तो तन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम है। मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग और योग है। बुद्धि को ठीक रखने के लिए कुछ औषधियाँ, स्मरण शक्ति तेज हो, जैसे हर रोज तुलसी के पत्ते खाना। उपाय बहुत छोटा है, लेकिन आप करोगे तो बहुत इससे फायदा होगा। और अपने बच्चे बच्चियों को नियम दे दो, हर रोज 5 पत्ते तुलसी के तो खाना ही है, और 1 गिलास ऊपर से पानी पीना। जिनका मोटापा है, तौंद बाहर आ गई है, थोड़ा चलते तो हाँप जाते, ऐसे लोगों को सुबह नींबू पानी पीना चाहिए। उसमें शक्कर के बदले शहद डालना चाहिए। और आपके घर में जो चीनी उपयोग करते हो, वो सफ़ेद चीनी उपयोग करना बंद कर दो। सफ़ेद चीनी से फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है और अशुद्ध है। इसलिए जो देसी शक्कर आती है, लाल शक्कर जिसे कहते हैं, गुड़ की बनी शक्कर भी होती है, देसी चीनी भी कहते, ब्राउन शुगर, उसका उपयोग करना ज्यादा हितावह होगा। रात को सो तो पूर्व दिशा की तरफ अथवा दक्षिण दिशा की तरफ सिर रख के ही सोना चाहिए। सोने से पहले पैर गीले नहीं होना चाहिए, लेकिन भोजन करने से पहले पैर गीले करके ही भोजन करना चाहिए। जो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं, उनके शरीर में भोजन का उतना पाचन नहीं होता जितना पलथी मार कर नीचे धरती पर बैठकर भोजन करने से पाए। बापूजी धरती पर बैठकर ही भोजन करते, हम भी नीचे ही बैठ के, लेकिन आजकल ये अंग्रेज लोग तो चले गए लेकिन अपनी परंपरा छोड़ गए। और हर घर में देखो तो डाइनिंग टेबल, हाँ जगह कम है, फ्लैट घर छोटा है, रख लिया बात और है, लेकिन जिनके घर में नीचे भोजन का जगह हो सकता है तो वो नीचे ही बैठकर भोजन करें तो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ठीक है। जितना भूख हो उससे आधा खाना, 25% पेट को पानी से भरना और 25% खाली रखना। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। जो लोग एकादशी के दिन साबूदाना या साबूदाना से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, वो मानो पाप खाते हैं। साबूदाना बहुत अशुद्ध ढंग से बनता है और उसमें जीवों की हिंसा होती है, उससे तो रोटी सब्जी खा लेना अच्छा। आज व्रत ले लो, संकल्प ले लो कि आज के बाद साबूदाना हम नहीं खाएंगे, जो करते हाथ ऊपर करो। और अपने दूसरे जो भी हैं उनको भी इस बात से जागृत करते रहो कि अपने घर में साबूदाना नहीं लाएंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। एक होता है आहार, दूसरा होता है विहार। केवल मुंह से जो खाया जाता है उसे ही आहार नहीं कहते, जो आप नेत्रों से देखते हो वो भी आहार है, जो कान से सुनते हो वो भी आहार है। ऐसी चीज़ें
मत देखो जिन चीजों को देखने से मन विषयों में जाए, ऐसा मत सुनो जिससे मन खराब हो, ऐसा मत देखो जिससे दिल खराब हो। रक्षताम 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 कोशानामपि हृदय कोशम रक्षताम, येन रक्षितम सर्वम सुरक्षितम मिदम। आप अपना घर गंदा रखना नहीं चाहते, अपना रसोई घर साफ रखते हो, यहाँ तक कि अपना वॉशरूम टॉयलेट भी साफ रखते, गंदा नहीं रखना चाहते। लेकिन कैसा आश्चर्य है कि अपने दिल को गंदा होने पर ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं देते अपने हृदय की सफाई का। ऐसा संग मत करो जिस संग से आपके मन में सांसारिक दोष आ जाए, ऐसा चिंतन मत करो, ऐसा दर्शन मत करो और ऐसा श्रवण मत करो कि जिससे आपके मन पर इसका प्रतिकूल असर पड़े और आपका मन खराब हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ संकल्प वाला होना चाहिए। कहीं गंदगी रास्ते में पड़ी दिख जाए तो तुरंत सूर्य का दर्शन, सूर्य दर्शन नहीं हो, मानसून हो, बादल हो तो क्या करे, बोले भगवान का नाम सुमिर लो। और अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि इस हृदय में भगवान स्वयं बसते हैं। ऐ तालिबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, किसी सूफी महापुरुष ने कहा, फकीर ने, ऐ तालिबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख। ऐ इंसान तू लाख मंदिर तोड़ दे, लाख मस्जिद तोड़ दे, लेकिन किसी जिंदे दिल को मत सताना, क्योंकि उसमें खुदा खुद रहता है। किसी को हर्ट हो ऐसा मत बोलो, वाणी की मधुरता, स्वभाव की सौम्यता, मधुरता, आप जिससे बात कर रहे वो मशीन नहीं है, वो रॉबर्ट नहीं है, उसको भी हृदय है और उसको भी सुख दुख की असर होती है। प्रभु जी नारायण भगवान, ऐसा संबोधन करके सामने वाला अगर शत्रु भी है तो भी आपका मित्र हो सकता। अगर आपके प्रति वो बुरा ख्याल रखता है तो भी आपके संबोधन और आपका मधुरता का व्यवहार उसके हृदय को बदल सकता। इसीलिए अपने हृदय को शीतल रखो। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान भी पीछे पीछे घूमने को तैयार हो सकते हैं, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए प्रेम और प्राणी मात्र के लिए सौहार्द है। अपने स्वभाव को सदैव प्रसन्न रखना और कोई दुख आए तो उसको पचाना,
अपन क्या करते हैं, दूसरे से सुख लेने की कोशिश करते हैं और दुख आता है तो उसको दूसरों को सुनाते हैं। अपने को कितना सुख है वो नहीं देखते, लेकिन थोड़ा सा कहीं टेढ़ा मेढ़ा किसी ने बोल दिया तो उसको सुनाते फिरते, इसने मेरे को ऐसा बोला है, ऐसा है, वो ऐसा। हकीकत में सुख बांटने की चीज है और दुख पचाने की चीज है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दुख को तो हजम करना है। भगवान शंकर जहर को बांटा नहीं, जहर को पिया और पूरा नहीं पिया गले तक। रख दिया और नीलकंठ कहला। तो ऐसे ही दुख पचाओ, कष्ट पचाओ, प्रॉब्लम पचाओ। Thank you.